व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइज, गूगल ने रिमूव कर दिया है अपने प्ले स्टोर से मित्रो ऐप को और रिमूव चाइना प्रोडक्ट्स ऐप को, रिमूव चाइनीज ऐप नामक एक ऐप थी उसको भी रिमूव कर दिया है। तो क्यों रिमूव कर दिया है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों रिमूव किया है। तो गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट लाता रहता हूँ। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करें मित्रो ऐप के बारे में। तो मित्रो ऐप क्यों डिलीट हो गई, तो मित्रो ऐप इसलिए डिलीट हो गई कि गूगल ने ऑफिशियली बताया है कि ये उसके पॉलिसीज़ को वॉयलेट कर रहा था। एक गूगल प्ले स्टोर का पॉलिसीज़ था कि स्पैम एंड नो फंक्शनैलिटी ऐप था, मतलब मिनिमम एंड स्पैम एंड नो फंक्शनैलिटी ऐप ऐसे करके एक पॉलिसीज़ था, तो उसको ब्रेक कर रहा था ये मित्रो ऐप। तो उसके हिसाब से ये पॉलिसी से के हिसाब से मित्रो ऐप में कोई भी फंक्शन नहीं था, कोई भी नया फंक्शन नहीं था और रीयूज भी किया गया था, मतलब रीयूज्ड ऐप था। मतलब आप तो जानते होंगे कि जस्ट कॉपी किया गया था मित्रो ऐप को। अगर नहीं जानते तो मैं इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, आप कार्ड में लिंक आएगा ऊपर, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से मतलब वायलेट कर रहा था, रीयूज़ किया गया था और स्पैम था एक तरह से था, और उसमें कोई प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी नहीं थी। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी करेंट सिनेरियो की, तो टिकटॉक में आप लोगों को कंट्रोवर्सीज बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ के लिए, पर इसमें तो कोई भी पॉलिसीज़ भी नहीं था मित्रो ऐप में। तो वैसे भी एक डेंजरस ही ऐप था और गूगल के पॉलिसीज़ को भी ब्रेक कर रहा था, तो इसीलिए हटा दिया गया इसको प्ले स्टोर से। तो नेक्स्ट गाइस, बात करें अब यहाँ पे रिमूव चाइना ऐप्स के बारे में। तो यहाँ पे रिमूव चाइना ऐप्स का कोई पार्टिकुलर पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है जो ब्रेक कर दिया था ये, इसका भी क्लियरली आंसर अभी तक नहीं निकल के आया है। तो बेसिकली यही आंसर है कि जो कंपनी ने ये बनाया था वो एजुकेशन प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो भी मतलब ये डेवलपर थे इसके, जो गूगल के डेवलपर लोग थे, इनके जो बाकी ऐप थे वो सब एजुकेशन के थे, पर इसमें अपन उन लोगों ने कैटेगरी चेंज कर ली। बेसिकली ये ऐप आप लोगों के फ़ोन से सभी चाइनीज़ ऐप्स को स्कैन करके उसे डिलीट कर देता है और डिसाइड भी करने देता है कि कौन से ऐप डिलीट करने हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरी ही चेंज हो गया, तो शायद इस वजह से डिलीट कर दिया गया। और ये बेसिकली हेट तरह का फैलाने वाला ऐप था क्योंकि आप रिमूव चाइना प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब आप चाइनीज़ को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दूसरा कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हेट फैलाने वाला भी ऐप हो सकता है। तो इस वजह से भी शायद रिमूव कर दिया। कोई इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आया है, तो बहुत जल्द आएगा तो मैं इस वीडियो में मतलब इस चैनल में बता दूंगा। तो गाइस, बस इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए अपनी ओपिनियन और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।